द एडवेंचर ऑफ द सोलिटरी साइकिलिस्ट. सोलिटरी का मतलब होता है अलोन और सिंगल. तो ये कहानी है 23 अप्रैल 1895 की. शर्लॉक होम्स एक केस में बिजी थे. शर्लॉक होम्स वॉज बिजी इन द केस ऑफ परसिक्यूशन ऑफ जॉन विंसेंट हार्डिन, जो टबैको मिलियनेयर थे. इनके परसिक्यूशन में बिजी थे. परसिक्यूट मतलब ट्रीट बैडली ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ओके, तो फिर एक दिन मिस वायलेट स्मिथ आती है होम्स से मिलने के लिए, और होम्स उनको देख के समझ जाते हैं कि ये साइकिल चलाती है. उनका उनका जो एक साइड था सोल का, बहुत रफ था, तो उसको देख के वो समझ जाती है, समझ जाते हैं होम्स कि ये साइकिल चलाती है. और फिर वो उनके फिंगर्स को एग्जामिन करते हैं, उनके हैंड को एग्जामिन करते हैं परमिशन लेके कि मेरा ये काम है. फिर हैंड को जब एग्जामिन करते हैं तो उनके जो फिंगर्स होती है वो फिंगर टिप्स स्पैचुलेट होती है, तो उससे वो समझ जाते हैं कि ये एक म्यूजिशियन है. और दो वो ये सोचते हैं कि या तो ये एक टाइपिस्ट है और सेकंड ये एक म्यूजिशियन है. तो जो टाइपिस्ट होते हैं उनको एक पर्टिकुलर इम्प्रेशन होता है उनके फिंगर्स पे, और वो इम्प्रेशन मिस वायलेट स्मिथ के फिंगर्स पे नहीं था, तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि वो वायलेट स्मिथ एक म्यूजिशियन है. फिर वो बताती है कि वो फार्नहम जो सरी के बॉर्डर्स में है वहाँ पे जाती है म्यूज़िक सिखाने के लिए. मिस वायलेट स्मिथ के फादर जो हैं वो गुजर गए हैं. उनका नाम था जेम्स स्मिथ. उनके फादर का नाम था जेम्स स्मिथ, और राल्फ स्मिथ उनके अंकल का नाम था, और ये अंकल राल्फ स्मिथ साउथ अफ्रीका में रहते थे. और एक दिन वो एडवर्टाइजमेंट में एक दिन न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आती है कि कोई इंक्वायर कर रहा है उनके बारे में, उनके मिस वायलेट स्मिथ और उनकी मदर के बारे में कोई इंक्वायर कर रहा है. तो फिर वो लॉयर के पास जाती है, और वहाँ पे वो मिस्टर क्रॉथर्स और मिस्टर वुडली को मिलती है. ये दोनों लोग, मिस्टर क्रॉथर्स और मिस्टर वुडली, ये लोग दोनों उनको मिलते हैं. और फिर वो लोग ये बताते हैं कि वो लोग इनके अंकल के साथ थे साउथ अफ्रीका में, और एक उनको मिसेस वायलेट स्मिथ को स्ट्रेंज बात लगती है, क्योंकि जब अंकल जिंदा थे तो उनको कोई ख़बर नहीं रखते थे मिस वायलेट स्मिथ की, लेकिन जब वो गुजर गए तो फिर वो खबर वो बोले गुजर जाने के बाद वो खबर कर रहे हैं. और ये जो इंटरव्यू था, ये जो मिलना था, ये दिसंबर में हुआ था, चार महीने पहले. और फिर मिस वायलेट स्मिथ होम्स को बताती है कि मिस्टर वुडली वॉज एन ओडियस पर्सन. ओडियस मतलब वेरी अनप्लेजेंट. और उनका एक कोर्स पफी फेस था, रेड मुस्टैच थी, और दोनों तरफ उनके ऐसे बाल थे. और वायलेट स्मिथ सिरिल मॉर्टन को मैरी करने वाली थी, और वो एक इलेक्ट्रिकल सिरिल मॉर्टन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और उनकी शादी एंड ऑफ समर में होने वाली थी. मिस्टर क्रदर्स वो एक बहुत ही बूढ़े आदमी हैं, और क्लीन शेवन साइलेंट पर्सन विद पोलाइट मैनर्स एंड अ प्लेजेंट स्माइल. मिस्टर क्रदर्स ने उनको ऑफर किया था. मिस्टर क्रदर्स की एक ही बेटी थी, और जो 10 साल की थी उसको म्यूज़िक सिखाने के लिए मिस्टर क्रदर्स ने मिस वायलेट स्मिथ को ऑफ़र किया था, और उन्होंने 100 पाउंड देने बोला था कि मैं 100 पाउंड दूंगा. और वो अपने मदर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मिस्टर क्रदर्स ने बोला कि वीकेंड्स पे चले जाना अपने मदर से मिलने के लिए, और फिर वो अग्री कर लेती है. और वो फार्नहम जाती है, और वो जो जगह जो जाती है उसका नाम है चिल्टन ग्रेंज. ये मिस्टर क्रदर्स का हाउस था जहाँ पे वो जाती है. और मिस्टर वुडली वो बहुत ही ख़राब आदमी थे, और एक बार उन्होंने वो अपने वेल्थ के बारे में बोस्ट करते रहते थे, मतलब बड़ाई मारते रहते थे. और एक बार उन्होंने वायलेट स्मिथ को पकड़ लिया था, और वो उसको छोड़ नहीं रहे थे. तभी वहाँ पे मिस्टर क्रदर्स आ गए, और उन्होंने छुड़ा दिया उसको, और वायलेट स्मिथ को मार दिया, और इसको वुडली को मार दिया, और वुडली को गिरा दिया मिस्टर क्रदर्स ने. और मिस्टर क्रदर्स ने अपोलोजाइज़ किया अगले दिन, जो मिस्टर वुडली ने किया था उसके लिए. और हर सैटरडे
वो फार्नहम स्टेशन जाती थी। देखो ये जो पहले फार्नहम स्टेशन जाती थी, फिर फार्नहम स्टेशन से यहाँ पे जाती थी चिल्टन ग्रेंज, और ये जो डिस्टेंस था वो 6 माइल्स था, 6 माइल्स का डिस्टेंस था। और यहाँ पे बीच में चार्लिंगटन हॉल आता था, फिर चार्लिंगटन हीथ आता था, फिर जाके ये आता था चिल्टन ग्रेंज। चार्लिंगटन हॉल मतलब एक बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं, एक बहुत बड़ा घर है जहाँ पे बहुत सारे टेनेंट्स रहते हैं। और हीथ चार्लिंगटन हीथ, हीथ का मतलब एन एरिया ऑफ एन ओपन अनकल्टिवेटेड लैंड कवर्ड विथ हैदर, हैदर का मतलब अ श्रब विथ स्मॉल पर्पल पर्पल फ्लावर्स, मतलब एक बहुत ही बड़ा बड़ा एरिया जहाँ पे मतलब खाली ज़मीन ज़मीन है, वहाँ पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होता, खेती बाड़ी नहीं होती, और वहाँ पे छोटे श्रब्स उगते हैं बस, वो एरिया उसको बोलते हैं हीथ, मतलब खाली एक एरिया जहाँ पे श्रब्स उगते हैं, बहुत बड़ा एरिया। और वो हर सैटरडे जाती थी हर सैटरडे वो फार्नम स्टेशन पे जाती थी, और 12:22 की ट्रेन पकड़ती थी अपने घर जाने के लिए, अपने मदर के घर जाने के लिए। और चिल्टन ग्रेंज ये जो रोड था फार्नम स्टेशन से चिल्टन ग्रेंज का, वो बहुत ही लोनली था। और फिर उन्होंने बताया कि एक आदमी है मिडिल एज का, और उसकी डार्क बियर्ड है, और वो मिस वायलेट को फॉलो करता है, और वो हर बार फॉलो करता है, और 200 यार्ड्स का डिस्टेंस रखता है। और फिर ये बात मिस वायलेट ने मिस्टर क्रदर्स को बताई, और मिस्टर क्रदर्स ने बोला कि मैं एक घोड़ा गाड़ी ऑर्डर कर देता हूँ और तो आपको कंपनी रहेगी। और फिर लेकिन घोड़ा गाड़ी आई नहीं थी, थोड़े दिन तक घोड़ा गाड़ी नहीं आई थी, और जो आदमी था वो मिस वायलेट स्मिथ को फॉलो करता रहता था। और मिस वायलेट स्मिथ ने एक बार उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चार्लिंगटन हॉल में जाके छुप गया। और सिरिल था वो एक मिडलैंड इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था, जो कॉन्वेंट्री पे थी, कॉन्वेंट्री पे एक मिडलैंड इलेक्ट्रिकल कंपनी थी, उस पर सिरिल मॉर्टन काम करता था। मिस्टर क्रदर्स भी उसमें दिलचस्पी दिखा रहे थे मिस वायलेट स्मिथ में, और मिस्टर क्रदर्स एक बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन उसके पास कोई भी घोड़ा नहीं था या घोड़ा गाड़ी नहीं थी। और फिर मिस वायलेट स्मिथ अपने घर पे चले जाती है। फिर होम्स वाट्सन को बोलते हैं कि तुम जाओ और इंक्वायरी करो, और ये भी बताओ कि चार्लिंगटन हॉल में कौन कौन टेनेंट्स रहते हैं, कौन कौन लोग रहते हैं चार्लिंगटन हॉल में। और होम्स बिजी थे थोड़े, इसलिए उन्होंने वाट्सन को बोला। और होम्स को थोड़ी अजीब बात लगी कि एक आदमी डबल प्राइस दे रहा है एक टीचर के लिए, लेकिन उसको खुद के पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है, और वो 6 माइल्स दूर रहता है स्टेशन से, फिर भी उसके पास खुद के पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं है। वॉटसन गए और वॉटसन ने रिसर्च करी, मंडे को वॉटसन गए, और वॉटसन ने भी देखा कि एक आदमी है वो पीछा कर रहा है, और वॉटसन ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, और वॉटसन भी अनसक्सेसफुल रहे, उस आदमी को पकड़ नहीं पाए, और वो आदमी श्रब्स में छुप गया। और वॉटसन ने ये देखा कि वो जो आदमी था वो अपनी नेक टाई को सेटल कर रहा है, नेक टाई को वो सेटल कर रहा है। और वॉटसन ने लोकल हाउस एजेंट के पास गए, उन्होंने टेनेंट्स के बारे में पूछा, लेकिन लोकल हाउस एजेंट ने उनको कुछ भी नहीं बताया। फिर एक रिप्रेजेंटेटिव ने वॉटसन को बोला कि चार्लिंगटन हॉल में मिस्टर विलियमसन रहते हैं, मिस्टर विलियमसन एक रिस्पेक्टेबल एल्डरली मैन है, मतलब एक बूढ़े आदमी है और रिस्पेक्टेबल मैन है, और एजेंट ने ज़्यादा कुछ बताया नहीं। फिर होम्स ने वॉटसन को बोला कि तुमको लोकल हाउस एजेंट को नहीं पूछना चाहिए था, तुमको पब्लिक पब्लिक जो वहाँ पे रहती है आस पड़ोस में उनको पूछना चाहिए था, वो तुमको सब बता देते थे कि कौन कौन वहाँ पे चार्लिंगटन हॉल में रहता है। फिर मिस वायलेट स्मिथ का लेटर आता है होम्स को, और मिस वायलेट स्मिथ ये बोलती है कि मिस्टर क्रदर्स ने उनको प्रपोज़ किया है मैरिज के लिए, लेकिन मिस वायलेट स्मिथ ने मना कर दिया। और फिर होम्स जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, और होम्स ये पता करते हैं कि मिस्टर विलियमसन इज़ अ वाइट बियर्ड मैन, ही लिव्स अलोन विद अ स्मॉल स्टाफ ऑफ सर्वेंट्स एट द हॉल, देयर वर वीकली विजिटर्स एट द हॉल, मिस्टर वुडली वॉज ऑलवेज देयर, मतलब हॉल पे हर हफ्ते मेहमान आते थे और मिस्टर वुडली वहाँ पे हमेशा आते थे। और थर्सडे को मिस वायलेट का और एक लेटर आता है होम्स को, और उसमें मिस वायलेट बताती है कि उसने मिस्टर क्रदर्स की एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए, और उनको प्रॉब्लम थी वुडली के साथ, इसीलिए उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिए।
और फिर होम्स क्या करते हैं, फिर होम्स और वॉटसन सैटरडे मॉर्निंग को जाते हैं हॉल में. सैटरडे मॉर्निंग को मिस वायलेट अपने घर जाती है, अपने घर भी जाती है 12:22 की ट्रेन पकड़ने के लिए. वो चार्लिंगटन ग्रेंज से फानम स्टेशन जाती है सैटरडे को. तो वो लोग भी सैटरडे को आते हैं सुबह में, और वो लोग क्रुक्सबेरी हॉल में आते हैं जो फानम में है. वहाँ पे वो लोग को एक एम्प्टी कार्ट मिलती है, मतलब एक खाली घोड़ा गाड़ी मिलती है. तो फिर होम्स देख के समझ जाते हैं कि एबडक्शन हुआ है. एबडक्शन मतलब किडनैप, और असॉल्ट मतलब अ वायलेंट अटैक. तो एबडक्शन हुआ है, तो वो वॉटसन को बोलते हैं कि एबडक्शन हो गया है मिस वायलेट स्मिथ का. और वहाँ वही टाइम पे वहाँ पे वो जो साइकिलिस्ट होता है वो आ जाता है, और वो साइकिलिस्ट बताता है कि मेरे को पता है मिस वायलेट स्मिथ कहाँ पे है. फिर वो लोग साइकिलिस्ट का पीछा करते हैं, और साइकिलिस्ट लोगों को लेके जाता है, और वो एक ओक ट्री पे, वहाँ पे एक एंशंट ओक ट्री होती है, वहाँ पे लेके जाता है. और वहाँ पे मिस वायलेट स्मिथ बेहोश हो रही होती है, और उनके उनका जो मुंह होता है वो हैंकरचीफ से बांध दिया होता है. और वहाँ पे मिस्टर वुडली होता है और मिस्टर विलियमसन होते हैं. मिस्टर विलियमसन प्रीस्ट बने होते हैं, वो एक एक्स क्लर्जीमैन होते हैं. देखो क्लर्जी मतलब द प्रीस्ट एंड मिनिस्टर्स ऑफ अ रिलीजन, स्पेशली दोज ऑफ द क्रिश्चियन चर्च. मतलब वो पादरी बनते हैं मिस्टर विलियमसन, और वो शादी करा देते हैं मिस्टर वुडली की और मिस वायलेट स्मिथ की. और फिर वहाँ पे वो सोलिटरी साइकिलिस्ट अपनी दाढ़ी निकाल देता है, और वो सोलिटरी साइकिलिस्ट होता है बॉब क्रदर्स. मतलब ये मिस्टर क्रदर्स मिस वायलेट स्मिथ का पीछा कर रहा होता है. और फिर जब मिस्टर क्रदर्स को पता चलता है कि मिस्टर वुडली ने मिस वायलेट स्मिथ के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली है, तो वो उसको मिस्टर वुडली को गोली मार देते हैं बॉब क्रदर्स. फिर होम्स उनकी रिवॉल्वर, क्रदर्स की रिवॉल्वर ले लेते हैं, और फिर होम्स एक शॉर्ट नोट लिखते हैं ग्रूम को. ग्रूम का मतलब है ग्रूम अ पर्सन एम्प्लॉयड टू टेक केयर ऑफ हॉर्सेस. उसको हॉर्सेस के ध्यान रखने के लिए एम्प्लॉय किया होता है. होम्स ग्रूम को दे देते हैं, उसको बोलते हैं कि फार्नम में जाओ और जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ है पुलिस स्टेशन में उसको ये लेटर दे दो. और होम्स की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, इसीलिए वो तीनों को, विलियमसन को, बॉब क्रदर्स को और मिस्टर वुडली को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं. वुडली को तो गोली लग गई होती है, तो विलियमसन और बॉब क्रदर्स वुडली को कमरे में लेके जाते हैं और उसको लिटा देते हैं. और फिर होम्स बताते हैं, होम्स समझ जाते हैं क्या हुआ है, और होम्स उन लोग को सबको बताते हैं. और होम्स ये बोलते हैं बॉब क्रदर्स को और वुडली को, बॉब क्रदर्स को और विलियमसन को, कि क्रदर्स और विलियमसन राल स्मिथ को जानते थे, और राल स्मिथ जब साउथ अफ्रीका में थे तब उनको वो जानते थे, मिस्टर क्रदर्स और मिस्टर वुडली. और राल स्मिथ एक बूढ़े आदमी थे, और लिख भी नहीं सकते थे और पढ़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए उनकी कोई विल नहीं थी, मतलब वसीयत नहीं थी. और उनकी जो नीस थी, उनकी जो भतीजी थी, उसको मतलब मिस वायलेट स्मिथ, राल स्मिथ की भतीजी थी, तो मिस वायलेट स्मिथ को सब उसकी राल स्मिथ की सब दौलत मिस वायलेट स्मिथ को मिलेगी. तो जब वापस जब आ रहे थे क्रदर्स और वुडली, तो लोग पत्ते खेले, और पत्ते में वुडली जीत गए, और इसीलिए ये डिसाइड किए कि वुडली मिस वायलेट स्मिथ से शादी करेंगे, और जो मिस्टर क्रदर्स है उसको एक शेयर मिलेगा, जो भी पैसा है उसका एक शेयर मिस्टर क्रदर्स को मिलेगा. मिस वायलेट स्मिथ ने ये रिकॉग्नाइज किया कि मिस्टर वुडली एक ड्रंकन ब्रूट है. ब्रूट का मतलब अ वायलेंट और क्रूअल पर्सन, और अ लार्ज अनकंट्रोलेबल एनिमल. तो मिस वायलेट स्मिथ को मिस्टर वुडली के साथ कुछ करना नहीं था, और क्रदर्स फेल इन लव विद द लेडी, उसको लेडी से प्यार हो गया था. और फिर वुडली और क्रदर्स के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, और वुडली ने अपना खुद का ही प्लान बना लिया, और मिस्टर क्रदर्स को वुडली पे नज़र रख रहे थे, इसीलिए मिस्टर क्रदर्स वायलेट स्मिथ का पीछा कर रहे थे कि उनको कुछ हो न जाए. मिस्टर वायलेट स्मिथ फिर होम्स ये बोलते हैं कि
होम्स ये भी बोलते हैं कि फोर्स्ड मैरिज इज़ नो मैरिज, और जो लाइसेंस था मैरिज का वो भी उन लोग ने ट्रिक से हासिल किए थे। और फिर वो होम्स तीनों लोगों को, मिस्टर क्रॉदर्स को, मिस्टर वुडली को और मिस्टर विलियमसन को लेके जाते हैं पुलिस स्टेशन, और जो सज़ा होती है उन लोग को, मिस्टर विलियमसन को और वुडली को एबडक्शन और असल्ट के लिए सज़ा होती है, विलियमसन को 7 साल की, वुडली को 10 साल की, और क्रदर्स को थोड़े से महीने के लिए ही सज़ा होती है क्योंकि वुडली वॉज अ डेंजरस रफियन, इसीलिए क्रदर्स को थोड़े से ही महीने के लिए सज़ा होती है। और रफियन का मतलब है अ वायलेंट पर्सन। वुडली हैड द रेप्यूटेशन ऑफ बींग द मोस्ट डेंजरस रफियन। ओके, तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।